आगे तुम आगे अच्छा तुम कितने अच्छे जल्दी पेरे को खुश घर तो संभाला हुआ ना। हाँ। बेटा मुझे तो इसके खाने से निकालो। मैं टैक्सी ले आया हूँ अबे, बस यहाँ इंजेक्शन रहता है ये लेना तो बस फिर चलते हैं। उठो अम्मा। ए लड़की तुम्हारे सुसर का कुछ पता लगा? सुसर? किसका सुसर? कैसा सुसर? अरे शावली के बाप का पूछ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये आप क्या कह रही हैं बे? तुम्हारे नाना ने इसे शावली के लिए पसंद किया है। फजूल बातें मत करो आंटी। अरे इंजेक्शन था कि छुरा घूम दिया। अब बाकी चीजें घर जाके लगाना, चलो उठो। अच्छा जाती हूँ, संभालो आप तो अस्पताल। पगड़ी वाला जम मारा, जल्दी करो फटाफट। क्या कहा तुमने? जम मारने को बोला फटाफट। क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ बाबा, करण के माफी एकदम चीख मारा तुमने? वो दर्द है नेकबख्त, खिड़की से छलांग लगाई है। वाह रे बाबा, कैसा बूढ़ा है तुम, इस उम्र में उछल कूद करता है तुम, जल्दी करो फटाफट। मुंह संभाल कर बात करो, कभी बूढ़ा कभी पगड़ी वाला, शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह रे बाबा, क्या मैंने झूठ बोला, तू बूढ़ा नहीं है एकदम फटाफट। वेगन में बैठाते वक्त तो बड़ी मिन्नतें कर रहे थे कि हाजी साहब इधर आओ, बुजुर्गो यहाँ बैठो, तशरीफ रखो बाबा जी, और अब कहते हो कि पगड़ी वाले जंप लगा दो बदतमीज आदमी। जल्दी करो शाबाश, उतरो बाबा, जल्दी करो, उतरो। नहीं उतरूंगा, पहले मेरी अठन्नी वापस कर दो, समझ गए? ए, ए, बाबा टूटा नहीं है ना, माफ करो ना, जल्दी उतरो ना फटाफट। टूटा क्यों नहीं है, इस टूटी फूटी वेगन में लोगों का बेड़ा तो गर्क करते हो तमाम दिन और टूटे नहीं रखते। एक दफा बोला ना, टूटा नहीं है ना, सर फोड़ेगा मेरा। मुझे अपना बकाया चाहिए, समझ गए ना? मट्टी से नहीं बनाए मैंने पैसे, मैं तुम्हारे चमड़े से निकालूंगा, ये हलाल की कमाई है, समझ गए? अभी अच्छी तरह नहीं समझा बाबा, जरा और समझा इसको। क्या मुकदमा खड़ा कर दिया यारा, पैसे दो बाबा जी और रुख्सत करो इसको, हमारे और भी बहुत से काम है। ओए मुकदमा मैंने नहीं खड़ा किया, इसने खड़ा किया है, मैं इसके चमड़े से निकालूंगा ये बकाया, मखौल बना रखा है इन लोगों ने। बिल्कुल तमाम रास्ते में इसके मेरे पैसे दबाए रखे, मैं खामोश था, मैं देखना चाहता था कि ये क्या कर रहा है। निकालो ए, मेरे पैसे निकालो। क्या मुसीबत है, लौटनी और मेरी जान छोड़ो, नीचे उतरो। जान मेरी छोड़ो, तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं। बाबा जान माफ कर रहा, सबसे हम कह रहे अपनी अपनी से क्या कर चलो स्टार्ट बोले। अरे आयो हाजी, अरे देखो ये क्या चीज आई है हमारे होटल में, दिखाई नहीं देता, बाजू में दर्द है यारा। अगर बाजू में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाते, ये अस्पताल तो नहीं है ना बाबा। भूख लगी है मरा, खाना खाने के लिए आया हूँ। ओए ये लड़की कौन है? यहाँ लड़की वड़की नहीं है, बस आप आराम और इत्मीनान से बैठे, आप ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे। कहता है लड़की नहीं है। क्या पकाया है? मटर पुलाव, मुर्ग पुलाव, चिकन गोश्त, सादा गोश्त, कढ़ाई गोश्त, करेले, सब्जी, आलू, दाल, बैंगन, भिंडी, कीमा। चकबक चकबक चकबक, निकबख्त तुम तो पकवानों के पहाड़े सुनाने लगे। जल्दी करो, दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं। एक मिनट साहब, आर्डर लेकर आ रहा हूं।
ना खाना आर्डर ना, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे आर्डर दे सकता हूँ? तो फिर आप बताएं ना, आप क्या खाना पसंद करेंगे? सुनो जी, बड़े जानवर के पाए लेकिन बांसुरी की तरह खाली ना हो, गूदा जरूर होना चाहिए उसमें, और वो भी पूरे का पूरा। बड़े जानवर के पाए, पुराने बैल की ओजड़ी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि तुम्हारा मैदा बहुत ज्यादा कमजोर है, ओजड़ी खाओ, और वो भी हफ्ते में दो दफा। ओजड़ी? हाँ हाँ, और वो सरसों का साग उबला हुआ भी तो मैं नहीं खा सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा हाजिमा बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी ऐसा? पूरी बात तो सुनो ना, वो ये चपातियाँ मत लाना जो हवा में उड़ती हैं, और नस्तोड़े की पीली पीली रोटियाँ, समझ गए? तो फिर क्या लाऊं बाबा? वो क्या कहते हैं, मकई की रोटी, जुआरे, और वो भी तवे पर पकी हुई, ठीक है ना? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बात सुनो, ये तौबे क्यों निकाल रहे हो निकबख्ता? पूरी बात तो सुनो ना जी। एक छोटे से घड़े में लस्सी भर कर लाना, लेकिन मक्खन का पेड़ा जरूर डालना, मजा नहीं आता फिर। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। बात सुनो जी, एक पुरानी आवाज, वो सोबत मरहूस, वो इस होटल में नहीं पकती बाबा। रिकॉर्ड लगाने को कहता हूं, खैर तुम तो इस जमाने में पैदा हुए हो ना, उन लोगों को तुम क्या जानो। एक नगमा है वो, जुल्फे दे गुंचे करी थे, जुल्फे दे गुंचे, जुल्फे दे गुंचे करी थे। वो बूढ़ा ना जाने क्या अला बला बांध रहा है। अला बला? अरे ओ जी, चीज पाए साग सरसों का और पत्थर का पेड़ा। तुम्हारे मेरे साथ बाबा। अरे बाबा, क्या बात? आदाब बजा लाता हूँ। बजाओ बजाओ, जो मर्जी है बजाओ। मेरी बात सुने आप, जहाँ आप तशरीफ रखते हैं ना, ये शहर का एक मशहूर होटल है। बेशक बेशक, यहाँ शरीफ लोग आते हैं बैठने के लिए। आपके गांव का उजरा नहीं है, यहाँ के कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ मैनर्स हैं, अंडरस्टैंड? गुड मैन जिलाल दिन, अंग्रेजी में जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है ना, वो तुम खुद होंगे, कि ये मेज और ये कुर्सियाँ, ये भी तुम खुद होंगे। और तुमने हमारे हुजरे के बारे में क्या कहा, कि वहाँ लफांगे बैठते हैं, ये शुरुआत की जगह है, ये देखो। क्या देखो? तुम्हारे होटल में लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठे हैं, समझ गए? लड़की? कौन है लड़की? ये देखो ये लड़की, ये कौन है? लड़की नहीं है। याला जमाने को याला, माफी चाहता हूँ, ये कैसा जमाना आ गया, लड़के और लड़की में कोई फर्क बाकी नहीं रहा, माफी चाहता हूँ जवान। जाओ जाओ बड़े मियाँ, अपना काम करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सारे एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा अच्छा, बाबा आप हमें माफ कर दे और यहाँ से तशरीफ ले जाए। नहीं नहीं, मैं खाना खा कर जाऊंगा, पैसे देता हूँ, मुफ्त में नहीं खाता। जो आप मांगते हैं ना, ओजड़ी, फेफड़े, सीढ़ी पाए, ये चीजें यहाँ पर नहीं मिलती। बस ठीक है, जो तैयार है वो ले आओ, लेकिन बात ये है ना कि मुर्ग की जगह कौए और गोश्त की जगह और कुछ नहीं खिला देना, बस। देखो यार, जान छुड़ाओ, जो भी मांगता है ना दे दो ऐसे। ठीक है। ये हाँ,
तुम इस तरह करो मुर्ख ना शाबाश गलती करो। ये लीजिए सब मुर्ख, रोटी कहाँ गई? वो मैं चटनी के साथ खा चुका हूँ, तुम और रोटियां लाओ जल्दी करो। आ गया तुम इस तरह करो दूसरा मुर्ख ले आओ जल्दी करो। तमाम चीजें क्यों क्या हुआ? घी में नहीं ग्रीस में पकाते हो, उन्हें वक्त मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। वाई 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 पेट में दर्द शुरू हो गया है। बिल दो बिल, बहाने मत बनाओ। कैसा बिल, कहां का बिल? तुम्हारे मुर्गे मेरे पेट में फुटबॉल खेलने लगे हैं। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को। हाँ हाँ करो, पुलिस को फोन करो, मैं भी तुम्हारे खिलाफ पर्चा काटूंगा। क्यों? कैसा पर्चा काटोगे? मैं मिलावट का पर्चा।